सात साल अगर आप किसी एक चीज का इंतजार करो तो वो इतनी औसम होती है। फाइनली प्लेस्टेशन 5 आ गया। हालांकि प्लेस्टेशन 4 अभी भी जिंदा है और उस पर भी गेम्स अभी आते रहेंगे, लेकिन अब आने वाले 7 सालों तक जितने भी लेटेस्ट गेम्स होंगे वो प्लेस्टेशन 5 के हिसाब से डिजाइन किए जाएंगे, उसी के फीचर्स के हिसाब से उनको डेवलप किया जाएगा। और प्लेस्टेशन 5 को मैंने करीब 1 हफ्ते इस्तेमाल किया और हफ्ते भर इस्तेमाल करने के बाद इतना तय हो गया कि प्लेस्टेशन 5 के लिए 7 साल का इंतजार वर्थ था। इस गेमिंग कंसोल की बात ही कुछ और है, फिर चाहे बात नए डुअल सेंस कंट्रोलर्स की हो या फिर जबरदस्त नए ग्राफिकल पावर की हो या फिर बस चंद सेकंड्स में किसी भी भारी भरकम गेम को लोड कर देने की काबिलियत हो, प्लेस्टेशन 5 हर एक बात में ऑसम है। पर ऐसा नहीं है कि प्लेस्टेशन 5 में सब मस्त है, कोई कमी नहीं है। कमी है और वो कमी है इसके डिजाइन। मतलब अब आप लोग बोलोगे कि क्या फालतू की बात कह रहा है, इतना खूबसूरत तो दिखता है, इतना सेक्सी तो दिखता है प्लेस्टेशन 5, फिर इसके डिजाइन में क्या कमी। सही आप बोल रहे हैं, प्लेस्टेशन 5 दिखने में सेक्सी दिखता है, बहुत खूबसूरत दिखता है। इससे ज्यादा खूबसूरत गेमिंग कंसोल आज तक मैंने भी नहीं देखा। पर जितना ज्यादा खूबसूरत प्लेस्टेशन 5 दिखता है उतना ही ये बड़ा भी है। मतलब अगर आप अपने घर में इस गेमिंग कंसोल रखने के लिए, अपने टीवी के बाजू में या किसी भी स्क्रीन के बाजू में गेमिंग कंसोल रखने के लिए अगर आपके पास लिमिटेड जगह है तो प्लेस्टेशन 5 को उस जगह में फिट करते करते आपको लिटरली रोना आ जाएगा। ये वर्टिकली जितना अच्छा दिखता है उतना ही ज्यादा स्पेस भी घेरता है, और अगर इसको आप हॉरिजॉन्टली या लिटा के रखो तो ये बड़ा अजीब दिखता है। सोनी इस कमी को आने वाले वक्त में अपने, हो सकता है स्लिम PS5 स्लिम वर्जन में शायद इस परेशानी को दूर कर दे, लेकिन तब तक तो इसी डिज़ाइन के साथ हम लोगों को, मतलब इसे कहा जाए, मैनेज करना पड़ेगा, लिटरली मैनेज करना पड़ेगा। पर प्लेस्टेशन 5 को आप उसके लुक एंड डिज़ाइन के हिसाब से थोड़ा ना खरीदते। कोई भी इंसान प्लेस्टेशन 5 जैसे गेमिंग कंसोल को खरीदेगा उसकी परफॉर्मेंस ध्यान में रख के, और जहां तक बात परफॉर्मेंस की आती है तो इस मामले में PS5 का कोई जवाब ही नहीं। इसका GPU 120 फ्रेम्स पर सेकंड के रेट से 4K रेजोल्यूशन का आउटपुट दे सकता है, और 4K तो छोड़िए, PlayStation 5 8K रेजोल्यूशन भी सपोर्ट करता है। 8K टीवी अभी है ही कितने, बट स्टिल 8K भी सपोर्ट करता है PlayStation 5, यानी फ्यूचर प्रूफ है। इसके साथ ही इसमें 16GB रैम है, कस्टम मेड AMD का प्रोसेसर है, साथ में 1 TB की NVMe सॉलिड स्टेट ड्राइव इसके अंदर दी गई है जिससे गेम्स ऐसे लिटरली ऐसे फटाफट लोड होते हैं। 1 TB का जो स्पेस है वो इतना ज्यादा नहीं है कि उसमें प्लेस्टेशन 5 के ढेरों टाइटल्स आप स्टोर करके रख पाएंगे, क्योंकि आपको 1 TB से थोड़ी कम, मतलब आप ये माने करीब 800 GB के आसपास ही आपको स्पेस मिलता है, और उस 800 something GB में आप बहुत ज़्यादा प्लेस्टेशन 5 के टाइटल्स आप स्टोर करके नहीं रख सकते। मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि करीब 10 PS5 टाइटल्स आप एक बार में इसके कंसोल की स्टोरेज के अंदर आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो आपको वक्त वक्त पर डिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इस बात के लिए आप प्रिपेयर्ड रहिएगा। इसके साथ ही सोनी ने इस बार प्लेस्टेशन 5 में हाई एंड ग्राफिक्स और एनिमेशन सपोर्ट को नेक्स्ट लेवल पर लेकर गया है, खास तौर से रे ट्रेसिंग, जिसमें गेम के ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट में रोशनी दिन रात के अलग अलग लेवल्स पर ज्यादा रियलिस्टिक लगती है, परछाइयां असली लगती हैं, इवन चमकीली सतहों पर हमारे रिफ्लेक्शंस एकदम परफेक्ट, एकदम नेचुरल
लगते हैं गेम खेलते वक्त। रे ट्रेसिंग के साथ साथ पार्टिकल इफेक्ट्स को भी कई गुना ज्यादा बेहतर बना दिया गया है, जिससे गेम प्ले में धुआं, आग, चिंगारी या इवन डस्ट एकदम असली नजर आती है। इसमें इस बार अडैप्टिव ट्रिगर्स और हैप्टिव फीडबैक दिए गए हैं जो गेम प्ले के साथ इन सिंक रहते हैं। गेम में आप अगर तलवार जोर से मारते हैं तो आपको उसी तरीके का फील आएगा। अगर आप सपोज तीर कमान से बो एंड एरो से तीर चला रहे हैं सपोज आप, तो आप जितना कमान को खींचेंगे उतना ही आपको वो महसूस होगा ट्रिगर्स की मदद से और वो हैप्टिक फीडबैक की मदद से। तो ये चीज़ पहली बार आपको प्ले स्टेशन में महसूस करने को मिलेगी, जिसके कारण से गेम एक्सपीरियंस मतलब आप ये मतलब इस एक्सपीरियंस को लिटरली समझाया नहीं जा सकता। मैं सच में आप सब लोगों को ये गुजारिश करूंगा कि नज़दीकी कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हो जहां पर डेमो का प्लेस्टेशन 5 रखा हुआ हो तो वहां पर जाकर दो चार गेम्स आप ट्राई कीजिए, 5-10 मिनट खेलिए। और ये जो अडेप्टिव ट्रिगर्स के कारण जो मज़ा आता है, गेम एक्सपीरियंस जो मतलब एकदम रियलिस्टिक लगने लगता है, वो आप खुद महसूस कीजिए, तब आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि प्लेस्टेशन 5 में गेमिंग दरअसल है क्या। और सबसे बढ़िया बात कि ये जो डुअल सेंस कंट्रोलर्स हैं, इस बार इनकी बैटरी लाइफ को काफ़ी बढ़िया बना दिया गया है। काफ़ी लंबी बैटरी लाइफ है, बहुत जल्दी जल्दी आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर चार्ज करने की ज़रूरत पड़े भी तो भी आप USB टाइप सी से इन डुअल सेंस कंट्रोलर्स को चार्ज कर सकते हैं। मतलब आपके फ़ोन की जो केबल है, स्मार्टफोन के फ़ोन की केबल टाइप सी वाली, उसी से आप डुअल सेंस कंट्रोलर्स चार्ज कर सकते हैं, तो अलग से केबल वेबल संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं है। पर इन सब के साथ सोनी ने प्लेस्टेशन 5 के साथ जो सबसे पुण्य वाला काम किया है, लिटरली मतलब प्लेस्टेशन 5 में ये फीचर डाल के सोनी वाले जितने भी हैं ना, सीधे स्वर्ग में जाएंगे, इतना पुण्य उनको मिल जाएगा। वो इसलिए कि जो वो फीचर है वो है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी दे दी गई है। इसका मतलब ये है कि आपके जितने भी एग्जिस्टिंग प्लेस्टेशन 4 के टाइटल्स हैं जो आपने पिछले 7 सालों में जमा किए हों या खरीदे हों, तो वो प्लेस्टेशन 4 के टाइटल्स प्लेस्टेशन 5 के साथ भी कंपैटिबल रहेंगे। और अगर आपने कोई डिजिटल टाइटल्स, प्लेस्टेशन 4 के डिजिटल टाइटल्स अगर आपने खरीद के रखे हैं, तो सोनी उन्हें ऑटोमेटिकली प्लेस्टेशन 5 के लिए अपग्रेड कर देगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी वो जो खरीद, जो आपने इन्वेस्टमेंट उन गेम्स के ऊपर किया पिछले 7 सालों में, वो अगले 7 सालों तक भी आपके काम में आएगा। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण से प्लेस्टेशन 5 अगर आप खरीदते हैं तो बड़ा काम में आने वाला। तो आप ये भी पूछेंगे कि भाई अभिषेक भाई, आप कब खरीद रहे हो प्लेस्टेशन 5? तो मैं ये कहूँगा कि मैं अभी प्लेस्टेशन 5 के लिए थोड़ा इंतज़ार करूँगा। और उसके पीछे मेरा रीज़न ये है कि देखिए, अभी मेरा जो प्लेस्टेशन 4 है वो एकदम टकाटक चल रहा है, उसके ऊपर गेम्स भी आ रहे हैं प्लेस्टेशन 4 के ऊपर। जो प्लेस्टेशन 5 के ऊपर जो अभी जो टाइटल्स आए हैं, फिर चाहे वो असैसिन्स क्रीड वाल्हेला हो या स्पाइडरमैन माइल्स मोरालिस हो, ये सारे टाइटल्स प्लेस्टेशन 4 के ऊपर भी हैं। अभी प्लेस्टेशन 5 एक्सक्लूसिव टाइटल्स उतने ज़्यादा नहीं हैं। गेमिंग इज ऑल अबाउट इकोसिस्टम। अभी प्लेस्टेशन 5 के लिए PS5 एक्सक्लूसिव टाइटल्स कम है, तो वो इकोसिस्टम अभी ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है। इसीलिए मैं अभी इंतज़ार करूँगा और थोड़े वक्त के बाद फिर प्लेस्टेशन 5 के ऊपर इन्वेस्टमेंट करूँगा।